दुर्गा पूजा पर इस बार पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा ने एक बेड़ा उठाया है। हे पहली बार दोनों ने मिलकर दुर्गा माँ के पंडाल की व्यवस्था की है, हे ताकि भक्त आए और माता का आशीर्वाद लें। और इसमें अर्जुन बिजलानी उनका साथ दे रही हैं। जरा देखिए हे कैसे माता रानी के मुख दर्शन करवाए सभी भक्तों को। पूजा चाहती है कि लोग यहाँ पर आए और जो दर्शन वो हमेशा शायद टीवी पर देखते थे या इंस्टाग्राम पे देखते थे या सोशल मीडिया पे देखते थे, आज वो खुद आके उसे एक्सपीरियंस करे, वो पूजा को एक्सपीरियंस करे। बोलूँगा कि आप लोग प्लीज सब आइए। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुंबई कर वालों के लिए भी ये इनविटेशन है, सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। सो यू गाइज ऑल कम बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे हम कलकत्ता का खाना भी आपको सर्व करेंगे। कलकत्ता की माँ तो आई गई यहाँ पे मुंबई की चीरानी के भेस में। तो ये मैंने महल बनाया है पहली बार और मैंने इसलिए अभी इनको मैंने मुंबई चीरानी बनाया ताकि मुंबईकर्स को भी लगे वो जुड़े हुए इस चीज़ से, वो भी आएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली इसके लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरा मुंबई आए, दर्शन करे, देखे, पंडाल देखे, माता जी का आशीर्वाद ले और सब तरह की एंटरटेनमेंट, सब तरह की व्यवस्था हमने रखी है। अब पूजा और कुणाल को एक अरसे से जानते हैं अर्जुन, तो ऐसे में जब दोस्त ने कुछ अच्छा काम किया है तो भला उन्हें सपोर्ट क्यों ना किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। सच बता रहा हूँ, जब उसने मुझे कहा कि दुर्गा महोत्सव मैं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तू मुझे टाइम और डेट बता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं छोड़ के आ जाऊँगा। और अपने बल पे अपने ताकत से उसने इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मेरे ख्याल से दुर्गा माँ का आशीर्वाद उसको और सारे लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो जिसकी सोच सही थी, टाइमिंग सही था और आज देख सकते हैं कि कारीगर से लेके सारे इवेंट वो सारे के सारे जो है वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देश उस कल्चर से ही बना हुआ है। हर राज्य में अपना एक कल्चर है और कल्चरों का देश है और सारे लोग यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ उसी तरीके से अपना त्यौहार मनाते जैसा कि सबका है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसमें पूजा ने कुछ एड ऑन करने का काम किया। हे पूजा और कुणाल चाहते हैं कि दुर्गा पंडाल में ज्यादा से ज्यादा भक्त आए और माता रानी का आशीर्वाद लें। ये इनका पहला साल है, अगर इस साल उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला तो वो हर साल दुर्गा माँ का पंडाल ही यूं ही सजाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।